आपको क्लियर करेंगे कि आपकी किस प्रकार की ट्विन्स प्रेगनेंसी में नॉर्मल डिलीवरी के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि ट्विन्स प्रेगनेंसी भी तीन तरह की प्रेगनेंसी होती है, जिसमें सबसे पहली प्रेगनेंसी होती है जिसमें दोनों बेबी का प्लासेंटा भी एक ही रहता है एंड दोनों बेबी की थैली भी एक ही रहती है। तो ये जो प्रेगनेंसी होती है वो बहुत ही ज्यादा रिस्की प्रेगनेंसी होती है, इसमें एक ही भ्रूण के बचने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। एंड जो दूसरी प्रेगनेंसी होती है उसमें प्लासेंटा एक ही रहता है बट थैली अलग अलग रहती है, तो इसमें दोनों बेबी सुरक्षित रहते हैं। इस टाइप की जो प्रेगनेंसी होती है वो सी सेक्शन द्वारा ही होती है। एंड तीसरी जो प्रेगनेंसी होती है उसमें दोनों बेबी की थैली अलग अलग होती है एंड प्लस दोनों के प्लासेंटा अलग अलग होते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा सुरक्षित होती है और इसमें पूरी तरह से चांस होते हैं आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने के। एंड ट्विन्स प्रेगनेंसी में नॉर्मल डिलीवरी के लिए कुछ बातों का और भी ध्यान रखना पड़ता है, जिसमें सबसे पहली बात कि इसमें मां का पूरी तरह से स्वस्थ होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एंड दूसरी बात, आपकी जो ट्विन्स प्रेगनेंसी है वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी तो नहीं है एंड डायबिटीज की भी शिकायत नहीं होनी चाहिए। मां को प्री एक्लेम्प्सिया बोला जाता है, मां को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत तो नहीं है एंड उनके हाथों पैरों में चेहरों पे बहुत ज्यादा सूजन तो नहीं रहती है। एंड दूसरी बात कि उनकी जो टॉयलेट होती है उसमें प्रोटीन तो नहीं आता है। ये सारे लक्षण अगर मां में नहीं पाए जाते हैं तो उनके बहुत ज्यादा चांस बढ़ जाते हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए। एंड नॉर्मल डिलीवरी के लिए बच्चे की पोजीशन का सही होना भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, जिसमें सबसे पहली पोजीशन है कि अगर दोनों बच्चों का सर नीचे रहता है तो भी जो है नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, अगर इसमें एक बच्चे का सर ऊपर या फिर एक बच्चे का सर नीचे रहता है तो इस कंडीशन में भी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। अगर आपका लास्ट मंथ चल रहा है और जो भी मैंने आपको कंडीशन बताई है अगर वो आपके अंदर नहीं है और आपकी जो ट्विन्स प्रेगनेंसी है वो ऐसी है जिसमें दोनों की थैली एंड दोनों के प्लासेंटा अलग अलग है, तो इस स्थिति में आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें एंड उनसे पता करें कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगी या नहीं। तो अगर आपको डॉक्टर क्लियर करते हैं तो आप जो है नॉर्मल डिलीवरी के लिए कुछ टिप फॉलो कर सकती हैं, जिसमें सबसे पहली टिप है कि आप ज्यादा से ज्यादा टहलना स्टार्ट कर दें एंड दूसरी टिप है आप जो है कमोड की जगह इंडियन टॉयलेट का यूज करना स्टार्ट कर दें, इससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी नॉर्मल डिलीवरी के लिए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।